सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नमस्कार, मैं ललित। तो मोदी की माफी से क्या गेम पलट गया है? महाराष्ट्र में मोदी ने क्या सियासी सीन को पलट दिया है? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी ही चाल में फंस गया है। शिवाजी पर माफी, सावरकर का जिक्र भी कर दिया गया। तो आज आपके साथ इसी माफी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये जो चर्चा होगी वो माफी से थोड़ा और आगे है कि कैसे इस माफी को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या ये असर डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, पहले माफी सुन लेते हैं। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, के बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। पालघर के सिडको ग्राउंड में तकरीबन 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ उन्होंने माफी मांगी, शिवाजी पर माफी मांगी। वीर सावरकर का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। माना यह जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र का सियासी सीन पलटेगा, तब्दील होगा। 4 दिन पहले छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। प्रतिमा गिरने पर उद्धव गुट, शरद गुट, कांग्रेस के नेता वो ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से उन्हें घेरा जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को उसी के जाल में ऐसा लगता है फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, वो हमारे लिए आराध्य देव है। मैं सिर झुकाकर अपने आराध्य देव के चरणों में माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने शिवाजी पर माफी मांगकर महाराष्ट्र के एक और जो है वीर सावरकर, उनका भी जिक्र कर दिया, महापुरुष वीर सावरकर। मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, वो इसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वीर सावरकर के अपमान को सही ठहराते हुए वो अदालत में लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वीर सावरकर का किस्सा खैर आपने अक्सर देखा है। इधर शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद माफी और वीर सावरकर का जिक्र, दरअसल प्रधानमंत्री का जो इशारा था वो कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ था। पुणे की एक कोर्ट ने वीर सावरकर के अपमान के आरोप पर राहुल गांधी को समन जारी किया था। आरोप ये है कि राहुल गांधी ने लंदन में वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि राहुल गांधी अदालत के समन पर पेश नहीं हुए। राहुल गांधी और कांग्रेस कई बार वीर सावरकर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के बयान दे चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव की पार्टी वीर सावरकर के सम्मान का दावा करती है। क्लैश देखिए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का जिक्र करके इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में वीर सावरकर के अपमान का जो मुद्दा होगा वो इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी से पहले जो सीएम है एकनाथ शिंदे, वो भी कह चुके हैं कि वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर 100 बार शिवाजी के पैर छूकर माफी मांगने के लिए तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली घटना है। इसलिए जो कल बैठक ली हुई उसमें 2 कमेटियां की गई है, एक में जो दुर्घटनाग्रस्त स्टैचू प्रतिमा उसके बारे में जांच होगी, कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पैरेलल एक जो कमेटी है उसमें तज्ञ लोग होंगे, वहाँ आर्टिस्ट होंगे, इंजीनियर, आईआईटी के लोग होंगे, नेवी के अधिकारी होंगे, और उसी जगह पर शिवाजी महाराज जी का भव्य दिव्य प्रतिमा फिर से लगे।
डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं, उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कैसे गिरी, इसके कारणों की जांच चल रही है और इसके लिए शिंदे सरकार ने एक दो जांच टीम भी बना दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चेतन पाटिल नाम के एक स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर है उसे गिरफ्तार कर लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और हम इसके आफ्टर इफेक्ट की भी बात कर रहे हैं। पहले ये जान लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण नौसेना दिवस समारोह पिछले साल 4 दिसंबर तब उसका अनावरण किया गया था और मकसद ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विरासत है और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंध, इनका सम्मान करना था। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और गत सोमवार को दोपहर जो सिंधुदुर्ग का राजकोट किला है वहाँ पर छत्रपति शिवाजी की तकरीबन 35 फीट ऊंची मूर्ति वो गिर गई थी। तब अधिकारियों ने दावा किया था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली हवाओं के चलते प्रतिमा ढह गई है, जबकि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार किसी भी संरचना को डिजाइन करते समय इससे लगभग 3 गुना अधिक हवा की गति का ध्यान रखा जाता है। खैर, मूर्ति पर फिर कभी बात करेंगे, आज प्रतिमा के सहारे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। माना यह जा रहा था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का भी ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सियासी इतिहास की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थी और मौजूदा स्थिति में बताया जा रहा है कि बीजेपी नुकसान में है। 2014 में बीजेपी को 123 सीटें मिली, जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से कम सीटें आने पर बीजेपी के सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। उद्धव ठाकरे के बीच कार्यकाल को छोड़ दें तो बीजेपी 2014 से ही महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। लोकसभा 2024 में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 महाविकास आघाड़ी ने जीती हैं। सिर्फ बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो उसके खाते में सिर्फ 9 सीट आई हैं। ये भी किसी झटके से कम नहीं था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ये तय हो गया था कि बीजेपी अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। अभी भी जीत की गारंटी के मायने चूंकि मोदी ही है, इस वजह से अब उनकी सक्रियता बढ़ेगी। इसके अलावा पार्टी ने अपने टारगेट को कम कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक सिर्फ 100 सीटों का टारगेट पार्टी तय करके चल रही है। दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि महायुति सत्ता में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100 से ज्यादा सीटें जीतने पर कोई भी बिना बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगा। जानकारी ये कहते हैं कि अब पीएम मोदी महाराष्ट्र में सक्रियता बढ़ाएंगे और फिर लोकसभा में आए नतीजों को पलटने की दिशा में काम करेंगे। ये माफी एक तरह से उनके चुनावी अभियान की, आक्रामक चुनावी अभियान की शुरुआत है। अब ये माफी मास्टर स्ट्रोक बनती है या फिर लोकसभा जैसा कोई तजुर्बा होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और यही वजह है कि मूर्ति और माफी को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक और चुनाव में आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली का वो विधानसभा चुनाव था और एक व्यक्ति वो माफी मांग कर कहता है कि हम चुनाव में गए थे, हमने कांग्रेस के साथ रिश्ते बना लिए थे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, दिल्ली वालों से उन्होंने कहा, और आप मुझे पूरी तरह मजबूत जनादेश दीजिए। और उसके बाद वो 67 सीटें जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा जज्बाती मुल्क है, माफ़ी पर पिघल भी जाता है। यही वजह है कि इस माफ़ी पर बहुत ध्यान हमें रखना होगा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ये जो माफ़ी है ये लगातार चर्चाओं में रहने वाली है, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट है नहीं। तो अभी फिलहाल इतना ही। जो भी आपको लगता है वो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, आलोचनाएं भी आपके आमंत्रित हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।